नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करूंगी इस सुंदर दिखने वाले प्लांट के बारे में जिसका नाम एरिका पाम है। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसको आउटडोर इंडोर हम कहीं भी रख सकते हैं। ये दोनों जगह बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लांट है और इजी टू ग्रो है। आज मैं इसको सीड से कैसे ग्रो करेंगे इसके बारे में आपसे बात करूंगी और इसके सीड भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये है इसका बड़ा प्लांट जो कि ज़मीन में लगा हुआ है। आपने देखे होंगे ज़मीन में जब हम इसका प्लांट लगाते हैं कहीं भी तो वो इतना ही बड़ा हो जाता है। देखिए इस कितना बड़ा हो रहा है ये प्लांट और इस पर कितने सारे सीड्स आए हुए हैं। तो मई जून के महीने में इस पर देखिए कितने सीड्स आ रहे हैं, यही टाइम है इसके सीड्स का। और देखिए इस वाली टहनी पर तो कितने सारे जो इसके जो बीज हैं वो झड़ गए हैं, पकने के बाद अपने आप ही झड़ जाते हैं ये बीज। और जो थोड़े कच्चे रह गए हैं वो भी लगे हुए हैं, बाकी ज़्यादातर झड़ चुके हैं इस वाली टहनी के। तो नीम की जैसी निम्बोली होती है उसके जैसे इसके बीज होते हैं। और देखिए जो बीज जैसे नीचे ज़मीन में गिर गए हैं तो कितने सारे प्लांट्स भी बन गए हैं छोटे छोटे। तो कितना आसान है इसको बीज से ग्रो करना। और जो इधर उधर गिरे होंगे वो तो ख़राब हो गए होंगे, जो मिट्टी में गिरे हैं उनसे प्लांट्स बन गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े गुच्छे इस पर आते हैं बीज के, इससे बहुत सारे प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये प्लांट लगा दिखे तो आप इसके इस समय सीड्स आए हुए रहते हैं, आप इसके बीज तोड़ लाएं। और बहुत ही आसान है इसको बीज से ग्रो करना। तो इस तरह के इसके बीज होते हैं, जैसे निबोली होती है इसके अंदर इसका गुठली टाइप का एक बीज होता है और पके जो ये पक जाते हैं तो पीले कलर के हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ पका हुआ बीज, देखिए ये इसका देखिए पीला हो रहा है ये वाला जो बीज है, इसके ऊपर से ही उतर जाएगा, अंदर बीज रह जाएगा इसके। इसको आप निकाल कर मिट्टी में इसको 2-3 दिन कच्चों को भी आप ऐसे रख देंगे तो ये अपने आप ही पके से हो जाते हैं। और आप इनको मिट्टी में लगा दें और मिट्टी में लगाने के बाद 20-25 दिन में आपका प्लांट निकल आएगा मिट्टी से बाहर। और बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना। तो इस तरह आपको कहीं भी पेड़ लगा मिले ये बड़ा तो आप इसके बीज ला सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत सारे फ्री में आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने बालकनी में अपने गमले में लगाए हुए हैं और ये मेरे कितने सुंदर सीड्स से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। और ये 4-5 प्लांट है जो मैंने एक ही जगह लगाए हैं इस गमले में ताकि ये गमला पूरा भर जाए और सुंदर दिखे, जब ये बड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह बहुत ही आसान है इसको बीज से ग्रो करना और हम बहुत सारे प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।